लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एसक्यूएल एक्सप्रेशन किया था। आज देख लेते हैं आगे। एसक्यूएल एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं, केस एक्सप्रेशन, ठीक है। आज देखते हैं नल फंक्शंस क्या होते हैं। नल फंक्शंस, नल फंक्शंस कुछ डिफाइन है एसक्यूएल में। जैसे कौन सा फंक्शन है, इफ नल, इज नल और कोल एसके और एनवीएल फंक्शंस। ये तीनों फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में यूज होते हैं। जैसे माई एसक्यूएल में अलग होता है, सर्वर एसक्यूएल सर्वर में अलग होता है, और एक्सेस में अलग होता है, ओरेकल में अलग होता है, ठीक है। सो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ये नल फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में यूज होते हैं, ठीक है। काम इनका सबका सेम ही है। काम क्या सेम है, मान लो कोई भी डेटा, कोई भी टेबल है, जिसमें कोई भी टेबल में जैसे ये वाला क्या है, ये वाला एंट्री नल है। अगर मैं इस डेटा को आपस में कंबाइन करके कुछ रिजल्ट करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट को हम इस यूनिट ऑर्डर्स को यूनिट इन स्टॉक में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ना कि मतलब ये नल की वजह से जो रिजल्ट क्या आएगा वो नल आएगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस और ये यूनिट इन स्टॉक, यूनिट इन ऑर्डर। तो मींस ये हमें क्या करके देगी, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस, एक दूसरा एक कॉलम और लेके आएगा। जो कंक्लूजन होगा, रिजल्ट किसका होगा, इसका प्रोडक्ट और इन दोनों का सम के बाद। पहले ये दोनों सम होंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट होगा, उसके बाद एक और कॉलम आएगा। मीन्स दो कॉलम हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, ये वाली क्या है, वैल्यू नल है, तो ये इसमें ऐड नहीं कर पाएगा और इसका जो रिजल्ट क्या आएगा वो रिजल्ट आएगा नल, ठीक है। वैल्यू काउंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे फिर, मान लो कहीं पे कोई भी सेल की वैल्यू, ठीक है, नल होगी, तो हम इन्हीं फंक्शन का यूज करके नल ना आए हैं, या फिर अगर किसी में नल है तो पता करके कुछ और रिजल्ट लेके आना है तो हम लेके आ सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी माई एसक्यूएल में क्या बोलता है ये, माई एसक्यूएल में हम फंक्शन यूज करेंगे इफ नल और कोल एसके नल यूज करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों क्या है, फंक्शंस है जो माई एसक्यूएल में यूज होंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हालांकि ये मैंने डेटा ऐड किया है, एक प्रोडक्ट टेबल दिखाता हूँ मैं पहले आपको। ये जो प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, इसमें लास्ट में मैंने डेटा ऐड किया है, डेटा ऐड किया है नल, ठीक है। इस प्राइस का ये प्राइस जो है इसको नल किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइस आईडी है, और ये मैंने क्या किया है, इसको रन करके करने की कोशिश की है कि हम पहले प्राइस को कैटेगरी आईडी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसके बाद, ठीक है, डेटा कहाँ से उठा रहे हैं हम, प्रोडक्ट से उठा रहे हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट आ गए क्योंकि दो एट्रीब्यूट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम और सप्लायर, और डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन और ये, ठीक है। ऐसे करने के बाद जो प्राइस था वो लास्ट में आएगा, लेकिन कैसे आएगा, नल वैल्यू शो होगा। अब जब हमको इसका क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है कि भाई साहब ये नल ना आए, ठीक है। अबे बाकी मान लो ये भी नहीं पता चल रहा कि वो प्राइस में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसकी जगह हमने एक फंक्शन लगाया है इफ नल। अगर हम एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं या माई एसक्यूएल सर्वर कर रहे हैं, तो उसमें इफ नल या इज नल करके हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी प्राइस में, ये प्राइस में, मतलब हमको इस प्राइस में ही क्या थी, नल वैल्यू थी, ठीक है। इस प्राइस में क्या थी, नल वैल्यू। अगर ये क्या क्या बोल रहा है फंक्शन, कि अगर प्राइस में कहीं पे भी आपको क्या दिख जाता है, नल दिख जाता है, तो उसको उसकी जगह आपको क्या कंसीडर करना है, जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज हैं, अब जो लास्ट वाली वैल्यूज क्या है, उसको प्राइस वाली के वो क्या करेगा, जीरो को ऐड कर देगा है, और बाद में उसके बाद सप्लायर आईडी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यही हमारा क्या काम कर रहा है, ये सारे के सारे क्या है, नल फंक्शंस है, ठीक है। ये सारे के सारे, जब नाम ही क्या हो गया नल फंक्शंस, जहां पे भी वैल्यूज नल है हमको क्या यूज करना है, नल फंक्शन यूज करना है, ठीक
है, ये क्या यहाँ पे नल वैल्यू थी, तो इसने जो एग्जाम्पल ले रखा है वो इसके हिसाब से, बाकी यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस के लिए कुछ दे नहीं रखा, तो मैंने आप लोगों को इन्हीं के सर्वर पे करके दिखा दिया है ये चीज। मतलब मैंने कौन सी टेबल ले ली थी, मैंने प्रोडक्ट टेबल ले ली थी, प्रोडक्ट टेबल में आपस में कोई प्राइस की कोई नल थी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट इनटू कमांड लगा के उसमें वैल्यू को इंसर्ट करा दिया था, ठीक है, और प्राइस में क्या डाल दिया था, नल वैल्यू, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये क्या है माई एसक्यूएल में, तो हम क्या करेंगे, इफ और कोलेक्स करेंगे, और एसक्यूएल सर्वर में भी दोनों है, इज नल और कोलेक्स, ठीक है, सिंटेक्स लगभग सेम है दोनों का, सेम सिंटेक्स है, जिस 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 भी एट्रीब्यूट को आपको डाउट है कि इसमें नल वैल्यू है, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, ये सेम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये सेम फंक्शन मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इफ नल की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे डिफॉल्ट अगर कुछ और लूँ तो क्या होगा बताओ, डिफॉल्ट क्या करेगा उसको, उसको 10 मान लेगा, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू उसकी जगह मान लो नल है, और मतलब उसकी जगह जहां पे भी नल मिले उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो किसके साथ, ये जो हमने वैल्यू पास की हुई है, तो यहाँ पे 10 पास की हुई है, तो 10 वैल्यू कंसिडर कर लेगा, कहाँ पे कंसिडर करेगा, इस वाली में, इसमें क्या करेगा वो 10 कंसिडर करेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 इसको इससे इसके साथ जोड़ेगा, ठीक है। मैंने किस किस को साथ जोड़ने के लिए बोला है, प्राइस और कैटेगरी, इन दोनों को जोड़ेगा और सप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कितने वैल्यू किया था 10, तो 10 और 5 15, 15 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए क्या रिजल्ट मिला था हमें, 30 रिजल्ट मिला था, ठीक है। ये वाला तो हाँ ये है ना 10 वाला, तो यहाँ पे कितना है रिजल्ट हमारा 30, ठीक है। तो यही क्या है, नल फंक्शंस है। एक्सेस में कैसे करेंगे, एक्सेस में हमें क्या लगाना है, इफ फंक्शन लगाना है, इफ स्टार्टिंग में, इफ वाली पहली कंडीशन में अगर वो नल है तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू, एल्स हमको क्या लेना है, नल वाला, जो विदाउट नल वाला आ जाएगा पार्ट, ठीक है। इफ के अंदर हमको ये सारा लिखना है, ये क्या है इफ कंडीशन, ठीक है, ये क्या है इफ कंडीशन, और इफ में ये क्या है पहली कंडीशन, पहली में अगर वो नल होगा तो ये आएगा 0, अगर वो नल ही नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। और ओरेकल में हम क्या यूज करेंगे, NVL फंक्शन यूज करेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इज नल या इफ नल यूज कर रहे थे, और यहाँ पे NVL हम क्या करेंगे यूज करेंगे। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, कोलेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा क्या है फंक्शन, नल फंक्शन, ये आप लोगों ने क्या देख लिए, नल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में है हम करेंगे एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर्स करेंगे, आप लोग इसको एक बार देख के आना, धन्यवाद, ठीक है, बाय।